गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास, दिस इज योर जीके बुक और आज हम लोग जीके में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। आपके 11 चैप्टर का नाम है वेजिटेबल्स क्विज। क्या है आपके 11 चैप्टर का नाम? वेजिटेबल क्विज। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग यहाँ पे आज की डेट मेंशन कर दीजिए। आज डेट है 10/7/21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 11 चैप्टर वेजिटेबल्स क्विज। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता देती हूँ और उसके बाद आप इसको करने की कोशिश करना। राइट द नेम ऑफ द वेजिटेबल्स। यहाँ पे आपको क्या करना है? वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं। तो मैं वन बाय वन आपको क्या करूँगी, स्टेटमेंट रीड करके बताऊँगी और आपको गैस करना है कि यहाँ पे कौन सा वेजिटेबल होना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट है, अ ग्रे वेजिटेबल ग्रोन अंडरग्राउंड। ये वेजिटेबल का कलर कैसा है? ग्रे। ग्रे मतलब भूरा कलर है इसका। और ये कहाँ ग्रो करता है? अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे। द नेम स्टार्ट्स विथ पी। इस वेजिटेबल का नाम किससे स्टार्ट होता है? पी से। मतलब एक ऐसा कौन सा वेजिटेबल है जिसका कलर क्या है? ग्रे है, ब्राउन कलर है इसका, भूरा कलर है। और इस वेजिटेबल का, और ये वेजिटेबल कहाँ ग्रो करता है? जमीन के नीचे। और इस वेजिटेबल का जो फर्स्ट लेटर है वो पी से स्टार्ट होता है। तो जैसे आप इस पिक्चर को भी देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे ये क्या है, पोटैटो। पोटैटो किस कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। और ये कहाँ पे ग्रो करता है? ये अंडरग्राउंड ग्रो करता है। और इसकी स्पेलिंग है, फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट होता है? पी से। तो यहाँ पे क्या आएगा? पोटैटो। क्या आएगा? पोटैटो। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? पोटैटो। अब है सेकंड, अ टिनी राउंड ग्रीन वेजिटेबल दैट ग्रोज इन द पॉड। ये क्या है? टिनी। टिनी मतलब साइज में छोटा, और राउंड मतलब गोल गोल। मतलब आप इस वेजिटेबल को देख रहे हैं तो इसके अंदर का जो फ्रूट है वो क्या है? राउंड है, गोल गोल है। और उसका कलर कैसा है? ग्रीन है। और ये किस पे ग्रोथ करता है? पॉड पे। पॉड मतलब होता है खम्बा, ठीक है, या नीचे भी। ऐसा नहीं है कि ओनली खम्बे पे, क्योंकि ये जो वेजिटेबल है ये क्या है आपका, ये है आपके कौन से टाइप्स ऑफ ट्री में आता है? ये आता है आपका क्रीपर्स में। क्रीपर्स उन प्लांट को कहते हैं जो किसी की हेल्प से, जैसे कि आप कुकुम्बर्स देख लीजिए और आपका हो गया पम्पकिन देख लीजिए। ये जितने भी वेजिटेबल है ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये इनको ग्रो, क्योंकि जो इनकी स्टेम होती है ना बेटा वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, जिस कारण से इनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? किसी की हेल्प चाहिए, मतलब एक स्टिक की हेल्प चाहिए। तो ये क्या है? ये साइज में टिनी है, राउंड है, कलर में ग्रीन है। और ये कहाँ ग्रोज करता है? पॉड पे। मतलब किसी की हेल्प, मतलब इसको ऊपर चढ़ने के लिए हेल्प चाहिए होता है। द नेम स्टार्ट्स विथ पी, और इसका नाम किससे स्टार्ट होता है? पी से। तो ये क्या है आपका? ये है आपका पीज। पीज मतलब मटर। तो मटर क्या होता है? साइज में छोटे होते हैं, राउंड होते हैं, कलर ग्रीन होता है। और कहाँ पे ग्रो होता है? ये पॉड पे। मतलब एक किसी हेल्प से ही ऊपर जाता है, इसको सपोर्ट देना होता है। और इसका नाम भी किससे स्टार्ट होता है? पी से। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? पीज, ठीक है। थर्ड है आपका, इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ वेजिटेबल। मुझे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? सब्जियों का राजा, ठीक है। द नेम स्टार्ट्स विथ बी, मतलब ये जो वेजिटेबल है उसे क्या कहा जाता है? सब्जियों का राजा कहा जाता है। और ये किससे, इसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? बी। इसे सब्जियों का राजा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको हम क्या कहते हैं कि इस वेजिटेबल के सर पे क्या है? ताज। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? किंग ऑफ वेजिटेबल। और ये किससे स्टार्ट होता है? इसका फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट होता है? बी से। तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्रिंजल। क्या आएगा? ब्रिंजल। फिर है आपका फोर्थ, अ लॉन्ग थिन रेड वेजिटेबल ग्रोन अंडरग्राउंड। ये क्या है? लॉन्ग है, लंबा है, थिन मतलब पतला भी है, और रेड, और कलर में कैसा है? रेड। और ये कहाँ ग्रो करता है? अंडर ग्राउंड मतलब जमीन के नीचे। द नेम स्टार्ट्स विथ सी, और इसका नाम किससे स्टार्ट होता है? सी से। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? आएगा कैरेट।
क्या आएगा, कैरेट। कैरेट क्या है, लॉन्ग होता है, थिन होता है, पतला होता है, और क्या होता है ये किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। और ये कहाँ ग्रो करता है, ये भी अंडरग्राउंड ग्रो करता है। और ये किससे स्टार्ट होता है, इसका फर्स्ट लेटर सी से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कैरेट। अब आते हैं हम फोर्थ पे, अ ग्रीन वेजिटेबल बिटर इन टेस्ट। ये क्या है, ग्रीन वेजिटेबल है और टेस्ट इसका क्या है, बीटर। बीटर मतलब कड़वा। द नेम स्टार्ट्स विद बी, क्या है, द नेम स्टार्ट विद बी। ऐसा कौन सा वेजिटेबल है जो ग्रीन है और जो खाएं तो कड़वा लगता है, बिटर लगता है, और क्या होता है, जो स्टार्ट होता है बी से। तो ये है आपका बीटर ग्राउंड, मतलब करेला, ठीक है। अब हम आते हैं सिक्स पे, अ ग्रीन वेजिटेबल ग्रोन इन समर। ये जो वेजिटेबल है आपको कब देखने को मिलता है, समर सीजन में। द नेम स्टार्ट विथ एल, और इसका नाम किससे स्टार्ट होता है, एल से। तो ये यहाँ पे आपका कौन सा नाम आएगा वेजिटेबल का, लेडी फिंगर। क्या आएगा, लेडी फिंगर। तो सेकंड क्लास, अब आपका 11th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दोबारा से इसे रीड कीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर आपका है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो मैं इसका एक प्रैक्टिकल आपको भेजूंगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करना, उसके अकॉर्डिंग आप, उसके बाद हम इस चैप्टर को करेंगे और उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी किसके पार्ट्स के बारे में, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में। ओके, थैंक यू।